धोराजी में लास्ट 40 साल से प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो रहा है। धोराजी में 450 से ज्यादा प्लास्टिक यूनिट कार्यरत है। पूरे भारत में से प्लास्टिक रोडवेज, आप अभी नवीन भाई ने बोला था ना कि कचरा, वो प्लास्टिक का कचरा धोराजी में आता है। जैसे के एचडी आता है, बीपी आता है, एलडी आता है, कैरी बैग आता है, मिल्क बैग आता है, सीमेंट बैग आता है, जो आप लोग कचरे बोलते हैं वो सब धोराजी में आते हैं। धोराजी में आता है तो उसको रिसाइकलिंग होने के लिए ही आते हैं। इस रोडवेज प्लास्टिक को धोराजी में पूर्ण रिसाइकलिंग करते हैं और ये रिसाइकलिंग करके उसमें हम लंप्स बनाते हैं, उसके गैन्यूल्स बनाते हैं। उस गैन्यूल्स और लंप्स बनने के बाद उसमें से सुतली, दोरी, निवार, बॉक्स टेप, एग्रीकल्चर पार्ट, गार्बेज बैग, इसी प्रोडक्ट हम धोराजी में बनती है। और ये पूरी प्रोडक्ट बन के बाद फिर पूरे इंडिया में ये हम सप्लाई कर रहे हैं। धोराजी में आता है वेस्ट, पर उसमें से बन के जाता है बेस्ट। क्या धोराजी वेस्ट को बेस्ट बनाने की रिसाइकलिंग का, मैं सोचता हूं कि मुझे नॉलेज है तब तक कि पूरे भारत में धोराजी जैसा रिसाइकलिंग का हब कहीं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा हब है, 450 से ज्यादा यूनिट यहाँ हर रोज 11 से 1200 टन रिसाइकलिंग होता है। ये महीने का कैलकुलेशन कर लो तो 35,000 टन कैलकुलेशन होता है उसका। पूरे भारत में से धोराजी में वेस्ट आता है और ये इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 27,000 लोगों को रोजगार देता है। उसमें इलेक्ट्रिक वाला आता है, लेथ मशीन वाला आता है, ट्रांसपोर्ट वाला आता है, ये हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो लेबर आता है उसका सब आता है, उसको मिला के सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट 27,000 लोगों को धोराजी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उसको रोजगार देती है। और धोराजी में क्या है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। जहां मजदूर लोग, ये यहाँ का मजदूर को एक खासियत होती है, आवाज आ रहा है, वो हमारा लोग, हमारा जो मजदूर है वो पहचान जाता है कि ये पीपी कहाँ है, ये एलडी कहाँ है। एक सेग्रीगेशन वो उसको 40 साल से कर रहे हैं, उसको अनुभव हो गया कि चलो ये मटेरियल एलडी है, ये मटेरियल ये है, ये डर्लिंग है, मोल्डिंग है, मोल्डिंग ग्रेड है, कि कोई भी ग्रेड है वो समझ, उसमें वो लोग माहिर हो गए हैं। यहाँ का मजदूर क्या करते हैं, वो देखने के और हाथ में लेने के बाद उसको कौन सा ग्रेड है वो पता चल जाता है। इसके हिसाब से ये यहाँ का लोग, यहाँ का मजदूर है वो हमारी इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जाने में बहुत बढ़िया काम करता है। हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री की आप फुट में या जगह में बात करो, 3,000 से 5,000 स्क्वायर फुट में इंडस्ट्रीज हमारी एक इंडस्ट्री जाती है, उससे बड़ी इंडस्ट्रीज है ही नहीं है। और दूसरी, हमारे यहाँ जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के लिए जो एक्सट्रूडर मशीन आता है उसमें वो कोई भी बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं है। जो भी एक्सट्रूडर बनता है, जो भी सुतली बनती है, बॉक्स टेप बनता है, एग्रीकल्चर पाइप बनते हैं, सबकी जो मशीनरी आती है वो सिर्फ हमारी धोराजी वालों ने ही डेवलपमेंट की है, हमारी धोराजी की टेक्निक है ये। इसीलिए धोराजी में मजदूर भी मिल जाता है, वेस्ट भी मिल जाता है, मशीनरी वाले भी मिल जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आया तो रिपेयरिंग करने वाले भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम आया तो उसका भी यहाँ सब कारीगर मिल जाता है। इसके हिसाब से हमारी धोराजी में इंडस्ट्रीज बहुत आगे गई है। और जो भी वेस्ट आता है, कहीं इंडिया में रिसाइकलिंग का हब है पर वहां क्या होता है, रिसाइकलिंग ही होता है, उसका रॉ मटेरियल ही निकलता है। चलो गठा बन गया, उसके गैन्यूल बन गया, वो निकलता है, वो बेच देता है। हमारे धोराजी में क्या है, वो गैन्यूल और लंप्स बनते हैं, ऐसा नहीं है, फिर उसकी फिनिश प्रोडक्ट भी बनती है यहाँ, और ये पूरे भारत में जाती है। फिर भारत में से वेस्ट आता है, फिर यहाँ धोराजी में प्रोसेस करके पूरे भारत में फिर से
रिसाइकलिंग होकर पूरे भारत में ऐसा कहे कहीं भी कहा ऐसी प्रोसेस होती ही नहीं है, धोराजी के सिवा कहां भी ऐसी प्रोसेस नहीं है। और ये धोराजी में 40 साल पहले 3-4 यूनिट प्लास्टिक रिसाइकलिंग का पहले सबसे पहले आया था, और धीरे 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 वो 15-20 साल में ये अलग अलग हिस्से में वो 450 से यूनिट हो गई। धोराजी कैसा डेवलप नहीं है, धोराजी के आजू बाजू बगल में धामकंडोना है, उपलेटा है, जूनागढ़ है, जेतपुर है, जो भी एरिया है 15-20 किलोमीटर का एरिया है, ज्यादा एरिया नहीं है। ये पूरे ये एरिया में अंदर प्लास्टिक रिसाइकलिंग टन रिसाइकलिंग होता है, और इसीलिए ये जो वेबिनार का टॉपिक है कि भाई सौराष्ट्र में प्लास्टिक की संभावना, बस यही कारण है कि प्लास्टिक में सौराष्ट्र की संभावना खूब है, सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग की संभावना है। और ये अपना मोदी साहब का जो सपना है स्वच्छ भारत का, वो हम लास्ट 40 साल से भारत को स्वच्छ कर रहे हैं, ऐसा हमारा ये धोराजी का इंडस्ट्रीज है, और ये स्वच्छ भारत का एक एक समझ लो तो अहम हिस्सा हम धोराजी ही है। बस धोराजी में यही इंडस्ट्रीज है, और सौराष्ट्र में प्लास्टिक इंडस्ट्री की खूब सारी संभावना भी है, ये रिसाइकलिंग की तो बहुत सारी संभावना है,